नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योति स्तंभ पहुंचकर पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विदिशा संवाददाता जय करोसिया की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आज से 2 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, जिसमें हमारे अनेक जो है जवान शहीद हुए थे। संपूर्ण देशवासी आज के दिन, समस्त जो पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, सबको श्रद्धा में जो है शहीद स्तंभ पर सभी ने यहाँ कर उनको उनकी याद में यहाँ पर कैंडल जलाए हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। जी भाई साहब, आज पुलवामा के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे तमाम युवक कांग्रेस के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सब वीर सपूतों को जो शहीद हुए थे उनको नमन करता हूँ और हमारे विदिशा के वीर सपूतों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होकर आज उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की हमारे पुलवामा के शहीदों को। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि 2 साल पूर्व जो हमारे यहाँ पुलवामा कांड हुआ था, उसके मास्टरमाइंड आज घूम रहे हैं, उनको ढूंढकर उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। वो कोई विदेशी ताकतों ने ये काम नहीं किया, ये मेरी गारंटी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कांड का पर्दाफाश किया जाए, जिससे कि जनता के सामने और उनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाए।